अपनी समृद्ध ज्ञान की परंपरा भी धारण की। मुझे याद है मैं 1990 के दशक में केरल में त्रिवेंद्रम के पास एक आश्रम में गया था। स्वामी सत्यानंद जी वहां पे रहते थे, मेरे पूज्य गुरुदेव के मित्र थे। तो मुझे त्रिवेंद्रम में जाना था, तो मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा कि तुम वहां जा रहे हो तो वहां पे स्वामी जी से मिल के आना, उनका हालचाल जानकर करके आना। त्रिवेंद्रम से मैं गया, काफी अंदर उनका आश्रम था, उनके आश्रम में मैं गया मिलने के लिए। उनका दर्शन करने के बाद उनके साथ विभिन्न विषयों पे चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश के अंदर ज्ञान विज्ञान की परंपरा पर जब चर्चा प्रारंभ हुई, उन्होंने कहा मुझे एक बहुत प्राचीन ग्रंथ मिला है और इस प्राचीन ग्रंथ में विमानन शास्त्र पर बहुत विस्तृत चर्चा की गई है और उसमें एक ऐसा विमान भी है जो बिना चालक के चलता है। तो मुझे आश्चर्य हो रहा था। मैंने स्वामी जी से कहा, मैंने कहा थोड़ा इसकी विस्तृत व्याख्या करके बताइए क्या है इसमें। उन्होंने कहा देखिए ये विमान है और इसके बारे में लोग आज भले कपोल कल्पित इसको कहेंगे, लेकिन इस ग्रंथ में जिन जिन विमानों की चर्चा की गई है वे सही कहीं ना कहीं आज हमें दिखाई देते हैं, लेकिन क्या यह बिना पायलट के भी कोई विमान चल सकता है? मैंने कहा इसमें है तो जरूर विज्ञान इस पे कार्य करेगा। और मुझे बहुत सुखद की अनुभूति हुई जब भारत ने अपना पहला ड्रोन उड़ाया था जो बिना चालक का था और जो सीमावर्ती क्षेत्रों की पूरी निगरानी करने के बाद वापस आकर के पूरी जानकारी भी दे सकता था। कहीं तो था, कुछ तो था। हजारों वर्ष पहले इन सब बातों को हम लोगों ने पहले ही अपने ग्रंथों के माध्यम से उसको सुरक्षित करके रखा है। ये कमी हमारी है कि सूत्रों में रचे गए उन ग्रंथों की व्याख्या करने, उन पर विस्तृत भाष्य लिखने की क्षमता का ह्रास हुआ और उसके कारण हम अपनी ज्ञान की समृद्ध परंपरा को विस्मृत कर गए। संस्कृत भारती ने जो वास्तव में अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, पहले संस्कृत का व्यापक प्रचार प्रसार हो, संस्कृत के प्रति एक अभिरुचि जागृत हो। मुझे याद है गोरखपुर में कोई पर्व और त्योहार पड़ता है, मंदिर में 500 संस्कृत के बच्चे अध्ययन करते वहां रहते हैं और मैं देखता हूं लाइन लगी रहती है कि हम भी इन संस्कृत के विद्यार्थियों को ले जाकर के अपने घरों में पूजा कराना चाहते हैं, यानी हमने उनको केवल पुरोहित कार्य तक सीमित करके रख दिया है। संस्कृत के माध्यम से एक ज्ञान विज्ञान की एक जो विस्तृत परंपरा थी, अध्यात्म की ऊंचाइयों पर जो विज्ञान की सीमाओं का भी अतिक्रमण कर सकती थी, उनको प्राप्त करने का जो एक भाव होना चाहिए था, हमने कहीं ना कहीं उसको खोया है। और मुझे लगता है जिस दिन संस्कृत अपने पूर्ण वैभव को पुनः प्राप्त करेगी, भारत हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्वकर्ता के रूप में एक बार पुनः स्थापित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और वे लक्षण अभी से दिखाई दे रहे हैं, आपने देखा होगा अंततः दुनिया को योग के बारे में जानकारी, केवल जानकारी ही नहीं योग के महत्व को समझना पड़ा था।